नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि आने वाले समय में गन्ना पिराई सीजन के तहत राज्य के सभी सरकारी चीनी मिलों को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चालू कर दिया जाएगा ताकि गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का कोई सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले ग्लूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए ताकि बाजरे व आलू से भी एथेनॉल के उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा सके। डॉक्टर बनवारी लाल आज पंचकुला में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल के प्रसंग लिमिटेड तथा उनके अधिकारियों और सहकारी चीनी मिलों के प्रबंधन निदेशकों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि पलवल की सहकारी चीनी मिल को आगामी 26 अक्टूबर, पानीपत करनाल शाहबाद की सहकारी चीनी मिलों को आगामी 9 नवंबर तथा रोहतक की सरकारी चीनी मिल को 10 नवंबर और सोनीपत जींद महम गोहाना की सरकारी चीनी मिलों को 11 नवंबर और कैथल सहकारी चीनी मिल तथा असंत की सरकारी चीनी मिल को आगामी 12 नवंबर को गन्ना पिराई के लिए चालू कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने चीनी मिलों के प्रबंधन और प्रबंध निदेशकों के निर्देशन से कहा कि बैठक के दौरान मुख्यालय द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अध्यक्षता और उसके बाद उनकी अनुपालना के समय पर होना चाहिए। इसकी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय की अवधि के दौरान संबंधित उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए। बैठक के दौरान सहकारी मंत्री को भी अवगत करवाया गया कि आने वाले 2022 के प्रथम सप्ताह के दौरान पानीपत की सहकारी चीनी मिल के नए संयंत्र को चालू कर दिया जाएगा। इसके लिए नई जनरेशन के 132 केवी ई लाइन के माध्यम से और इस मामले के HVPNL तथा HERC के साथ संयंत्र किया जा रहा है। इसी प्रकार करनाल के सहकारी चीनी मिल में 132 केवी लाइन के संबंध में भी जानकारी सहकारिता मंत्री व उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री को अवगत करवाया गया कि एथेनॉल के उत्पादन में ग्लूकोज का महत्व पाया जाता है। आगामी 31 अक्टूबर तक शाहबाद में 60 KBPT के एथेनॉल परियोजना को शुरू कर दिया जाएगा और इसी प्रकार पलवल सोनीपत कैथल जींद गोहाना महम पानीपत रोहतक व असंध की चीनी मिलों की क्षमता प्रगति इत्यादि की समीक्षा की गई है। पलपल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।